स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला क्लास 12th में फिजिक्स में बहुत ही पूछा जाता है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और हर बार बोर्ड एग्जाम में जो है एक ना एक बार, मतलब हर साल लगातार ही पूछा जाता है। इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको जो है वीडियो देखते ही देखते जो है लर्न हो जाएगा कि किस तरह से डेरिवेशन किया जाता है। और बच्चों, इसका एक नाम और भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, उसका निगमन कीजिए। तो चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाए, चाहे पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन आ जाए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या क्या है, ये फॉर्मूले का निगमन किस तरह से करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, एक एक लेंस लिया हुआ है, पतला थिन लेंस लिया हुआ है। ठीक, जिसका अपवर्तनांक जो है n है, और वो कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है। ठीक है, एक पतला लेंस लिया है और लेंस की मोटाई जो है थिकनेस t है, उसको हमने कहाँ रख दिया है, वायु में रख दिया है। ठीक है, अब देखिए इधर वायु और लेंस जो है काय का बना हुआ है, कांच का लिया है हमने। कांच जो है हवा के सापेक्ष कैसा है, सघन माध्यम है। ठीक, अब हमने इसके प्रकाशिक अक्ष पे, ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अक्ष जा रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष कहते हैं। प्रकाशित अक्ष पे जो है कोई बिंदु वस्तु ली हुई है ओ। ठीक, कोई वस्तु ले ली जो पॉइंट ओ पर रखी हुई है, तो उसका जो है प्रतिबिंब हम बनाते हैं, कहाँ बनेगा। अब देखिए, ओ से आ रही है एक किरण ये, अब ये देखिए पृष्ठ जो पतला लेंस है दो पृष्ठों से मिलके बनाए है ना, एक ये वाला पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। पहले पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या हम ले लेते हैं आर वन। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने कितनी ले ली, आर वन, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने ले ली आर टू, है ना। तो आपको मालूम ही है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की डबल होती है, और वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए ये ओ से कोई किरण गई इस तरह से। ठीक है, अब इस पृष्ठ पे अगर कोई लंब जो है हम खींच ले, तो हम जानते हैं जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से ओ का प्रतिबिंब जो है हमें कहाँ मिला, आई डैश पे मिला है। ठीक, अब देखिए ओ वस्तु, आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो वस्तु की जो है लेंस से दूरी क्या कहलाती है, u, ये वाली दूरी हमने क्या ले ली, u। लेंस हमने, लेंस का प्रथम सरफेस, ये वाली पहली सरफेस जो है उससे अभी प्रतिबिंब लिया है, बन रहा है। ठीक, जो ये प्रकाश की किरण है वो कहाँ पे आपतित हुई है, प्रथम पृष्ठ पे, है ना, लेंस के प्रथम सरफेस पे आपतित हुई है, और इसका प्रतिबिंब इसने कहाँ बना दिया है, आई डैश पे बना दिया है। तो ओ की जो है पहले लेंस से, जो लेंस की जो प्रथम इस परत है वहां से जो है दूरी कितनी है, यू है। प्रथम सरफेस से दूरी कितनी है, यू है। ठीक, और इस लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमने ले ली वी डैश। कितनी दूरी ले ली, वी डैश। ठीक, यू दूरी पे वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वी डैश पे बन रहा है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब है वो इस वाले सरफेस के लिए, दूसरी सरफेस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक, अब हम जो है इससे पहले डेरिवेशन पढ़ चुके हैं कि जो है अगर प्रकाश जो है किसी कांच के पृष्ठ पे पड़ रहा है, किसी लेंस पे पड़ रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, अपवर्तक का फॉर्मूला क्या था वो, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन अपॉन आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आपको ध्यान होगा। अब इसका यूज हम इस आर्टिकल में करेंगे। ठीक, तो देखिए जब प्रकाश की किरण इस सरफेस पे पड़ी तो जो अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए,
और इससे पहले देखिए इसमें लैंग्वेज क्या लिख लेंगे, जो मैं बोल रही हूँ वही आपको लैंग्वेज लिखनी है कि माना एक जो है हमने पतला लेंस लिया हुआ है जिसकी थिकनेस जो है मोटाई टी है, वो वायु में रखा हुआ है, लेंस का अपवर्तनांक एन है, लेंस की मोटाई टी है, ठीक है। और कोई बिंदु वस्तु हमने ओ ली हुई है प्रकाशिक अक्ष पे, जिसने प्रथम इसकी सरफेस से जो है प्रतिबिंब बनाया कहां आई डैश पे, लेंस के प्रथम सरफेस से जो है ओ की दूरी U है और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V डैश है। तो अपवर्तन के फॉर्मूले से जो है हम क्या लिखेंगे, तो अपवर्तन के सूत्र से हम लिखेंगे, इसमें देखिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, गोलीय पृष्ठ पर n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। तो V की जगह यहां पर क्या आ गया है, V डैश। तो ये आपका बना n अपॉन V डैश माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर, है ना। ये देखिए यू की जगह तो यू ही रहा और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वी डैश पे बन रहा है, तो वी की जगह क्या आ गया, वी डैश आ गया और एन माइनस वन अपॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, आर वन। ये वाला गोलीय पृष्ठ जो पहला वाला है इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है आर वन, और दूसरा है उसकी आर टू है, तो आर की जगह हम क्या ले लेंगे आर वन। ये बन गए इक्वेशन वन प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने पे। ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, इधर वाला प्रथम पृष्ठ इधर वाला द्वितीय पृष्ठ। तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन होता है इस तरह से, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने ड्राई किया हुआ था इससे पहले उसमें कि जो अपवर्तन है तो सूत्र क्या निकल के आएगा अपवर्तन का, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर, उसको हमने अप्लाई कर दिया। अब ये जो प्रतिबिंब है वो दूसरा वाला जो पृष्ठ है उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जो दूसरा पृष्ठ है इस वस्तु का दूसरा प्रतिबिंब और बना देगा, ठीक। वो प्रतिबिंब देखते हैं कैसे बनता है, देखिए बच्चों अब ये जो प्रतिबिंब है वो इस पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इससे जो किरण आ रही है वो कहाँ प्रतिबिंब बना रही है, इसका फाइनल आई पर बना रही है। हम जानते हैं कि अगर प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की में जाता है तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाता है। तो ये इधर विरल माध्यम है वायु, अंदर जो है कांच क्या है सघन माध्यम है, तो ये इसने इसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, इस तरह से आई पे बना दिया ना प्रतिबिंब। अब जब ये फाइनल ये आई पे प्रतिबिंब बना तो इसकी आई की जो दूरी है उसको हम क्या लेंगे, लेंस से V है, और ये जो V डैश है वो इसके लिए किसका काम करेगा, U का काम करेगा, ठीक। तो अब फिर से इस फॉर्मूले में इस पृष्ठ के इस गोलीय पृष्ठ के लिए अप्लाई कर दे ये फॉर्मूला, तो क्या निकल के आएगा, ये प्रथम पृष्ठ से आप द्वितीय पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन होने पर देखिए बच्चों जो ये हम बना रहे हैं प्रतिबिंब किस तरह बन रहा है, ये आप ये वाला आर्टिकल पहले वाला पढ़ेंगे ना, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे करते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो है पृष्ठ गोलीय पृष्ठ किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से फॉर्म करता है, ठीक है। तो द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन होने पर क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर, वी ही है, वी हो गया, और n भी n ना लेके हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे 1 अपॉन n, क्यों, क्योंकि अब प्रकाश जो है वायु से कांच में जा रहा है, पहले पहले कांच से जो है कहां आ रहा था, वायु में, अब जो है वायु से कांच में जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, हम ये जानते हैं ना an g बराबर क्या होता है, 1 अपॉन g n a, वायु से कांच में जा रहा है, और अगर कांच से वायु में जाएगा तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हम ये ए एन जी क्या होता है, एन होता है ना, तो एन की जगह हम अब क्या लेंगे, वन अपॉन एन ले लेंगे, ठीक है। और वी डैश की जगह क्या आ गया, ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वी है, माइनस वन अपॉन यू, वस्तु की दूरी कितनी है, ये वस्तु का कार्य कर रही है, तो इसकी दूरी जो है इस लेंस से, देखिए यहां से तो वी डैश है लेकिन ये लेंस कितना मोटा है, टी मोटा हुआ है, तो इससे यहां से कितनी दूरी रह जाएगी, वी डैश माइनस टी रह जाएगी ना, तो यू का मान कितना हो जाएगा, वी डैश माइनस टी, टी को कम कर देंगे क्योंकि ये हम द्वितीय पृष्ठ लेंगे, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वी डैश माइनस टी,
इज इक्वल टू एन की जगह 1/n-1/r1 की जगह क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 1/nv-1/v-t इज इक्वल टू 1-n/nr2। अब देखिए t इज वेरी वेरी लेस देन v डैश, जो प्रिज्म की मोटाई है वो v डैश की तुलना में बहुत ही कम है, बिल्कुल नगण्य है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन ये मिल जाएगी 1/nv-1/v- इज इक्वल टू, यहां से माइनस और कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n-1/nr2, ये इक्वेशन 2। अगर आपने दो इक्वेशन बना ली फिर अब इसमें कुछ नहीं रह गया, बहुत सिंपल है। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, ये देखिए बच्चों इक्वेशन 1 हमें मिल गई है n/v-1/u इज इक्वल टू n-1/r1, और इक्वेशन 2 इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दे, n से जो है मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो हमें ये क्या मिल जाएगा n/nv-1/v-n(n-1)/nr2, n से n कैंसिल, इधर n से n कैंसिल, ये हो जाएगा 1/v-n/v- इज इक्वल टू -n-1/r, ये बन गई इक्वेशन 2। ये दिख रहा है नीचे, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, ये देखिए इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ऐड करने पे देखिए n/v- प्लस का है और ये n/v- माइनस का है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1/v-1/u मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड में 1/v-1/u, और इस साइड में देखिए n-1/r1, और ये यहां से मिला -n-1/r2, यहां देखिए n-1 यहां भी कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1/r1-1/r2 1/v-1/u, इसको इक्वेशन डाल दीजिए 3। अब देखिए यदि प्रतिबिंब जो वस्तु जो है अनंत पे ले लें, वस्तु कहाँ है अनंत पे, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा द्वितीय फोकस पर, तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, मतलब u की जगह हम क्या लेंगे अनंत और v की जगह हम क्या लेंगे f। ठीक, फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन क्या 1/ प्रतिबिंब v की जगह हम f लेंगे -1/u कितना है इंफिनिटी n-1/r1-1/r2, ये 0 हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1/r1-1/r2, दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, इसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अब देखिए इसे अगर इक्वेशन 4 डाल लो तो इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो इनकी देखिए राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल जाएगा हमें इक्वेशन 3 और 4 को 4 की तुलना करने पर, ये हमें मिल जाएगा, देखिए इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करिए तो इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो इससे हमें मिल जाएगा 1/f = 1/v-1/u, ये लेंस फॉर्मूला कहलाता है। ये क्या निकला है लेंस, लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, और इस ये लेंस मेकर फॉर्मूला, किसी भी फोकस दूरी का अगर लेंस फॉर्म करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।